ओम शांति। 15 नवंबर 2023। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, मेरे पन को छोड़ ट्रस्टी बन, सेवा करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भाव। आज बाबा हम बच्चों को संतुष्ट आत्मा भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, मेरे पन को छोड़ ट्रस्टी बन, सेवा करने वाले सदा संतुष्ट आत्मा भाव। डिटेल में बाबा समझाते, लौकिक परिवार में रहते, सेवा करते सदा याद रहे कि मैं ट्रस्टी हूं, सेवाधारी हूं, सेवा करते जरा भी मेरापन ना हो, तब संतुष्ट रहेंगे। अर्थात संतुष्ट रहने की बाबा सहज युक्ति बताते। बाबा कहते, कोई भी कर्म करो, लौकिक कर्म करो या अलौकिक कर्म करो, सदा यह स्मृति रखो कि मैं ट्रस्टी हूं। करावन हार पिता निराकार परमात्मा है, मेरे द्वारा कर्म करा रहा है, तो मैं पन से, मेरे पन से, कर्म के फल से स्वतः और सहज मुक्त रहेंगे। इच्छा मनोकामनाओं से मुक्त रहना ही संतुष्ट मणि बनना है। तो संतुष्ट रहने का आधार बाबा बताते, ट्रस्टी हूं, सेवाधारी हूं, यह सोचकर कर्म करो। आगे बाबा समझाते, जब मेरापन आता है तब तंग होते हो, सोचते हो मेरा बच्चा ऐसा करता है, तो जहां मेरापन है वहां तंग होते हो, और जहां तेरा तेरा आया वहां तैरने लगेंगे। तेरा कहना माना स्वमान में रहना, मेरा मेरा कहना माना अभिमान में आना। तो बाबा विशेष सहज युक्ति बताते, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। मैं और मेरापन आता है तो तंग होने लगते हैं, इच्छा मनोकामनाएं जागृत होने लगती हैं, अभिमान में आने लगते हैं। संगम युग की विशेषता ही है आत्म अभिमानी होकर रहना, देह भान से न्यारे होकर रहना, इच्छा मात्रम अविद्या होकर रहना। क्योंकि बाबा कहते हैं, ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। असंतुष्टता जब आती है, जब इच्छा मनोकामनाएं जागृत होती हैं। क्योंकि संगम युग पर विशेष बाबा ने हम बच्चों को संतुष्ट भाव का वरदान दिया। स्वयं भगवान हमें संतुष्ट मणि बनाने आया। तो बाबा युक्ति बताते कि प्राप्त हुए खजानों को कभी मेरा नहीं समझना, प्राप्त हुए खजानों को सदा कार्य में लगाते रहना। जितना कार्य में लगाते उतना खजानों में वृद्धि होती जाती, एक का पदम गुना बन जाते। और भिखारी इच्छाओं से परे देने वाले दाता बन जाते। संतुष्टता का खजाना सर्व खजानों को स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित करता है। संतुष्टता ज्ञान की सब्जेक्ट का प्रत्यक्ष प्रमाण है। संतुष्टता ही बेफिक्र बादशाह बनाती है। संतुष्टता ही हम बच्चों को पुरुषार्थ के विमान में उड़ाती है। तो संपूर्ण संपन्न बनने का आधार ही है सदा इच्छा मात्रम अविद्या होकर रहना, स्वयं को निमित्त ट्रस्टी होकर कर्म कराना, और सदा स्व से संतुष्ट रहना, परिवार से संतुष्ट रहना और परिवार को संतुष्ट करना। स्वयं पर निश्चय रखना, बाबा पर निश्चय बुद्धि होकर हर कर्म करना, ड्रामा की भावी पर
निश्चय रखना, तो ही संतुष्टता का अनुभव, अतिंद्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे। आज बाबा ने स्लोगन में हम बच्चों को दिल से समर्पित आत्मा की विशेषता बताई। स्लोगन में बाबा कहते, बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति हो, तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति हो, तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। आज विशेष बाबा ने महावाक्य में मुख्य सार में हम बच्चों को शिक्षा दी। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सर्व पर ब्लेसिंग करने वाला ब्लिसफुल एक बाप है। बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है, उनके सिवाय कोई भी दुख नहीं हर सकता। प्रश्न किया बाबा ने, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में एडॉप्ट होने की रस्म है, लेकिन अंतर क्या है? भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में एडॉप्ट होने की रस्म है, लेकिन अंतर क्या है? उत्तर में बाबा समझाते, भक्ति मार्ग में जब किसी के पास एडॉप्ट होते हैं तो गुरु और चेले का संबंध रहता है। सन्यासी भी एडॉप्ट होंगे तो अपने को फॉलोअर कहलाएंगे, लेकिन ज्ञान मार्ग में तुम फॉलोअर या चेले नहीं हो, तुम बाप के बच्चे बने हो। बच्चा बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। गीत सुनाया बाबा ने, ओम नमो शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, यह पढ़ाई हीरे जैसा बनाती है, इसलिए इसे अच्छी तरह पढ़ना है और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ना है। यह पढ़ाई हीरे जैसा बनाती है, इसलिए इसे अच्छी तरह पढ़ना है और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ना है। दूसरा पॉइंट बाबा कहते, श्रीमत पर चलकर स्वर्ग का पूरा वर्षा लेना है, चलते फिरते स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। श्रीमत पर चलकर स्वर्ग का पूरा वर्षा लेना है, चलते फिरते स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। अच्छा, ये थे बाप दादा के विशेष महावाक्य, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, सदा संतुष्ट आत्मा भाव, जिसके लिए विशेष युक्ति बताई, सदा कोई भी कर्म करते यह स्मृति हो, मैं ट्रस्टी हूं, मैं सेवाधारी हूं, सेवा अर्थ इस धरा पर अवतरित हुआ हूं, तो मैं और मेरे पन से, इच्छा कामनाओं से उपराम रहेंगे, संतुष्ट आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।